वेलकम टू माई ट्रैवल व्लॉग। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको ले जाऊंगी बिनसर की यात्रा पर। ये क्षेत्र कहलाता है कैंची धाम भुवाली नैनीताल। यहाँ नीम करोली बाबा का आश्रम है। बिनसर जाने के लिए कैंची धाम से होकर जाना पड़ता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आगे रास्ता है यह। आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ियां हैं और यह कैंची धाम स्थित एक रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे। ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये वहां की वीडियो है कैंची धाम की। और कैंची धाम नीम करोली बाबा आश्रम स्थित है भवाली नैनीताल में। यहां से हमें ऊपर बिनसर जाना था तो हम थोड़ी देर रुके। शिप्रा नदी आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिप्रा नदी का पानी मुझे दिखाई दिया। इस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने मैगी खाई, मसाला मैगी बहुत टेस्टी थी, बन बटर बहुत अच्छा था। और ये देखिए पानी आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, ये शिप्रा नदी का पानी आप देख सकते हैं पहाड़ों से होता हुआ। ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा। बिनसर बहुत दूर स्थित है, उससे पहले हम हल्द्वानी में रुके। जो मेरी बड़ी ननद जी हैं, हम उनके घर पे रुके। ये मैं आपको उनका घर का नज़ारा दिखा रही हूँ। सुंदर फूल देखिए, और क्योंकि पहाड़ों पर स्थित है, ये पहाड़ों के पास है ये, और यहाँ से हमें पहाड़ दिखाई देते हैं। है मैदानी इलाका लेकिन यहाँ पर फूल बहुत सुंदर लगते हैं, और फल सब्जियाँ भी इनके लॉन में लगी हुई थी। देखिए गुलाबी लाल बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने पौधे लगा रखे हैं अपने घर के अंदर। और यहाँ से हम लोग यहाँ रात को रुके थे, यहाँ से हम गए बिनसर, क्योंकि यहाँ से भी बिनसर कम से कम 3 और 4 घंटे का रास्ता। और हमें आगे जाम मिला क्योंकि 3 छुट्टी कनेक्टेड थी और भारी भीड़ बिनसर में उमड़ी। कुछ नैनीताल गए, कुछ भीमताल, कुछ नीम करौली आश्रम में बाबा के दर्शन करने आए। तो ये है हल्द्वानी और ये है बाबा नीम करौली आश्रम भवाली नैनीताल में स्थित है। यहाँ पर 2 तीव्र मोड़ हैं जो कैंची की शेप बनाते हैं, इसलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है। और हमें बहुत भीड़ दिखाई दी यहाँ पर, और ट्रैफिक जैम था और पार्किंग की जगह नहीं थी, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नज़ारा, आप देखिए हनुमान मंदिर कहलाता है ये। 1960 में महान संत श्री नीम करौली बाबा ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ नदी बहती है और हनुमान जी की उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है जो कैंची की आकृति बनाते हुए एक दूसरे को पार करती हैं, इसलिए भी इसे कैंची धाम कहते हैं। 70 के दशक में एप्पल के पूर्व CEO स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी यहां आए थे। और 15 जून को यहां स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया जाएगा, क्योंकि 15 जून 1964 को हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहां की गई थी। कहा जाता है कि यहां सबकी मन्नतें पूरी होती है। भीड़ देख रहे हैं, इतनी भीड़ थी यहाँ पर, इतनी भीड़ कि हमें भी जाम का सामना करना पड़ा क्योंकि हमें आगे जाना था बिनसर। ये देख आप देखिए, ये लाइनें देखिए, बाजार है, बाहर दुकानें हैं, हर तरह की लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप देखिए बहुत लोग आए थे, बहुत लोग, सजी सजी सबरी दुकानें। और कहते हैं भीतर से मंदिर भी बहुत साफ सुथरा है। और ये देखिए जब कोई पहाड़ से पत्थर गिरता है, भूस्खलन होता है, तो इस तरह से ये दिखाई देता है। देखिए ऊपर पेड़ हैं और नीचे ये मिट्टी ही मिट्टी है। अब देखिए नज़ारा, तेज धारा की चोट सहते पत्थरों को मुस्कुराते देखा, दूर उस पहाड़ी को बर्फ में नहाते देखा, संगी वृक्ष जड़ित पर्वत उसकी ओर ललचाते देखा। दोस्तों हमने आगे बर्फ से अटे पड़े पहाड़ देखे, और देखिए लंगूर
बहुत हमें होटल में भी हमें लंगूर दिखाई दिए, बंदर दिखाई दिए, क्योंकि ये वन क्षेत्र है, ये बिनसर जंगल है पूरा। ये देखिए लंगूर, यह है बिनसर स्थित क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी जहां हम ठहरे। क्लब महिंद्रा की एक खासियत है कि ये एम्बियंस पे बहुत ध्यान देते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है और देखिए रंग बिरंगा कलरफुल, और वो कमरा हमें अलॉट था, ये कमरा इसके ऊपर वाला, और नीचे पूरा हरियाली ही हरियाली थी चारों ओर। बस इसका तो नज़ारा देखते जाइए, यहाँ जो मन की शांति पाने के लिए जो आता है उसे सच में मन की शांति बहुत मिलती है, क्योंकि प्रकृति के जितना करीब हम रहते हैं प्रकृति उतना ही हमें भर भर कर देती है, हरियाली हरियाली। और ये पौध आप पेड़ देख सकते हैं, और फूल देखिए, ये लाल फूल, जब हम आए थे तो इन्होंने हमें लाल फूलों का शरबत पिलाया था और कहा था कि ये बहुत टेस्टी है, और ये जो फूल हैं ये यहीं पर पेड़ों पर उगते हैं। हमने देखा था या होटल के कर्मचारी पेड़ों पर चढ़कर उन फूलों को तोड़ रहे थे। ये देखिए जामुनी, गुलाबी, लाल फूल, फूलों से बात कीजिए, बहुत कुछ कहते सुनते दिखाई देते हैं फूल। यहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं, और ये फुल था क्योंकि तो 3 छुट्टियाँ इकट्ठी थी। ये देखिए कितने सुंदर इन्होंने सजा रखे हैं, टायर को इन्होंने गमले की शेप दी है, इस पे तरह तरह के पौधे लगा रखे हैं, और ऊपर से मैंने नीचे की फ़ोटो ली। देखिए इसके दो रास्ते, हम नीचाई से ऊपर की तरफ आए थे इस रिज़ॉर्ट में, और जाते टाइम हमने फिर ऊपर की तरफ रास्ता किया लिया, क्योंकि एक रास्ता नहीं है, पहाड़ों में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आने का और दूसरा रास्ता जाने का। दूर पहाड़ियाँ देखिए सुंदर, ये रिज़ॉर्ट का रिसेप्शन एरिया है। यहाँ मैंने बताया ना, लाल बुरांश के फूलों से जो ये शरबत बनता है, इन्होंने हमें यहाँ सर्व किया था। सबसे पहले हम लोग यहीं आकर ठहरे, और यहाँ से हमने अपनी जो चाबी ली रूम की। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा, ये लोग बहुत ध्यान देते हैं सजाने पर, साफ़ सफाई पर। देखिए इस तरह ये ट्रॉली में सामान ला रहे हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत कुछ था, इंडोर गेम्स थी। ये इस तरह कमरे बने हैं ऊपर की तरफ। ये है महिंद्रा क्लब वैली, विला अलग थे, वैली नीचे, इसके ऊंचाई पर विला थे। मैं आगे आपको विला भी ले जाऊंगी, अभी ये वैली है, महिंद्रा क्लब वैली बिनसर, पूरा जंगल एरिया। जब हम पहुँचे उसके अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर हम निकले, तो हमने सोचा चलो नीचे की तरफ गांव की तरफ जाते हैं, वहाँ सुबह वॉक भी हो जाएगी और हम चाय की चुस्कियाँ भी ले लेंगे। तो ये हम लोग नीचे एक दुकान पर गए, वहाँ हमने चाय पी, उसने चाय बहुत अच्छी बनाई, और उसने बताया कि यहाँ होम स्टे बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ रुकते हैं, यहाँ काम करते हैं ऑफिस के लोग, और उसके बाद 2-4 दिन ठहर कर वापस चले जाते हैं। दूर एक गांव में हमें भजन की आवाज़ें आ रही थी, पहाड़ी गीत संगीत सुनाई दे रहा था, तो दुकानदार ने बताया कि किसी के घर में कोई धार्मिक आयोजन हो रहा होगा। और दोस्तों मैं आपको लेकर चल रही हूँ महेंद्रा क्लब की ऊंचाई पर। हमें बताया गया है कि एक शॉर्टकट रास्ता जाता है विला की तरफ, जो पगडंडी से होकर जाता है, पैदल भी है और थोड़ा लंबा रास्ता भी था जो उनका वाहन ही जाता है, और हम पैदल, हमने कोशिश की कि हम पैदल पैदल वहाँ तक जाएं विला तक,
और हम चलते चले गए, बिल्कुल जंगल था इस तरह, पतली पगडंडी पर हम चलते चले जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते से हम वापस लौट आए, क्योंकि हमें बताया गया था यहाँ पर जंगली जानवर तेंदुआ मिल जाता है कभी कभी, और हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं इधर से तेंदुआ निकल आए तो हम कहाँ किसको पुकारेंगे। ऊपर विला दिखाई दे रहे हैं आपको, और इस तरह रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पैदल लोग जाते हैं, कोई वाहन नहीं जा सकता यहाँ यहाँ से। जब हम वापस लौट आए तो मैं नहा धोकर तैयार हुई और मैं महिंद्रा क्लब वालों की जीप में विला की तरफ गई। ये दूसरा इनका रिजॉर्ट है, क्लब महिंद्रा विलास। ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, और जहाँ हम लोग ठहरे हैं वो है क्लब महिंद्रा वैली। ये बहुत ऊंचाई पर है, बहुत नैरो रोड से हमें महिंद्रा क्लब की जो गाड़ी है वो छोड़कर गई है। ये बहुत ही ऊंचाई पर है, आप देखिए बहुत सुंदर। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये नेचर, यहाँ से आप नेचर को फील कर सकते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखाऊंगी कि अंदर क्लब महिंद्रा का बिनसर विलास। ये देखिए, बहुत ऊंचाई पर विलास बने हैं ये। ये देखिए ऊंचाई पर, तो दोस्तों यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, क्लब महिंद्रा के विलास देखिए, ऊंचाई पर है ये विलास, लेकिन हम लोग ठहरे हैं क्लब महिंद्रास वैली में, और ये है विला बहुत ऊंचाई पर, देखिए देख सकते हैं। तो मैं आपको भी ये ऊपर लेकर चल रही हूँ विलास में। इस तरह विलास है, अल्मोड़ा। दोस्तों जब भी घूमने की बात आती है तो अक्सर हम पहाड़ों की तरफ देखते हैं। जो पहाड़ हैं ये सदियों से यूं चुपचाप जाने किसकी प्रतीक्षा कर रही है, और प्रकृति के और ढेर सारे उपादान, प्रकृति ने जो हमें उपहार दिए हैं वे सभी किसी ना किसी रूप में अपना जीवन जीते हैं। कहीं ना कहीं मानव अपने आप को जब इनसे दूर कर देता है तो शायद वह प्रकृति के आशीर्वाद से भी वंचित रह जाता है। तो यदि हम अपने आप को जितना भी प्रकृति के करीब कर पाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई मन के सुकून की तलाश कर रहा है, और सुकून मिलता है प्रकृति की गोद में। तो मैं इस वक्त बिनसर अल्मोड़ा महिंद्रा क्लब विलास में बैठी हूँ, जो बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है, ना शांत सुरम्य वातावरण कि जी करता है बस यहीं के होकर रह जाएं। तो मैं आपको यहाँ की यात्रा करा रही हूँ, और दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश की, अधिक से अधिक मेरे व्लॉग्स को देखें, उन्हें पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। देवदार के पेड़ों से देखिए घिरा, ये देवदार के जंगल हैं, ये समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई है इनकी,
और हिमालय की चोटियाँ भी यहाँ से दिखती हैं। मैंने बताया जंगली जानवर भी यहाँ दिखते हैं। 0 पॉइंट है आगे, ऊपर गोलू देवता का मंदिर है, बर्फ़ ढके पहाड़ हैं, और कसार देवी का मंदिर भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर उत्तराखंड की आप थाली महिंद्रा क्लब में इन्होंने हमें खिलाई थी, उत्तराखंड के पकवान भी खिलाए थे। और तो ये देखिए सुंदर नज़ारे, हाँ सबसे ज़्यादा आकर्षित किया इन बादलों ने, इतने सुंदर चमकदार बादल और नीला आकाश, ऐसा नज़ारा तो सिर्फ पहाड़ों में ही दिखाई देता है। बादल देखिए शांत इंसान, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान किया जा सकता है और तपस्वी यहीं पर ध्यान करते हैं। कहते हैं कि साधु सन्यासी यहाँ आते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ, ये क्षेत्र कहलाता है कसार, कसार क्षेत्र। देखिए यहाँ हम रुके थे, इस हमने यहाँ इस रेस्टोरेंट में खाना खाया। बहुत दूर था ये, बिनसर से भी बहुत आगे था। हम लोग यहाँ आए और हमने यहाँ, मैंने उत्तराखंड की एक थाली ली, मंडवे की रोटी, चंगुरे की खीर, भांग की चटनी, कंडौली का साग, और वापसी पर मैं बाल मिठाई लेते हुए गई थी। वापस देखिए अब हम आ गए हैं कैंची धाम। वापसी पर फिर हमें जाम मिला ये मंदिर, यहाँ से मैंने वापसी पर बाल मिठाई खरीदी थी जो बहुत ही मशहूर है, और यहाँ की मशहूर मिठाई ये देखिए कैंची धाम। मतलब 3 दिन बाद भी यहाँ जाम था, इतनी मान्यता है इस धाम की, इस आश्रम की, हनुमान जी के भव्य मंदिर की। है 0 पॉइंट, बर्फ से ढके हुए पहाड़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, धन्यवाद।